नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश के कोविड अस्पताल इमरजेंसी में आ रहे मरीजों के लिए कितने तैयार हैं, इसकी जांच के लिए मॉकड्रिल कर तैयारियों को परखा गया। डिप्टी सीएम विजय पाठक ने खुद अस्पताल पहुंचकर कोरोना से जंग के लिए तैयारियों का जायजा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी के अस्पतालों में मॉकड्रिल। बलरामपुर अस्पताल का डिप्टी सीएम ने किया निरीक्षण। बेड वेंटिलेटर समेत स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा। सभी इंतजाम दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने दिखाई दरिया दिली। डिप्टी सीएम ने मरीज को पहनाई अपनी जैकेट। भारत में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर्स, बेड और दवाइयों जैसी महत्वपूर्ण तैयारियों को परखा गया। इसी क्रम में यूपी के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल शुरू की गई। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट यूपी में दस्तक दे चुका है। उन्नाव और आगरा में नए वेरिएंट के मरीज भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल शुरू की गई। इसके तहत कोविड से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने खुद भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे और अफसरों व चिकित्सकों से जानकारी ली। ये मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में की जा रही है। बलरामपुर हॉस्पिटल में हमने स्वयं जाकर के देखा है कि सभी हमारे वेंटिलेटर्स, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन पाइपलाइन और चिकित्सकीय स्टाफ, पैरामेडिकल और नर्सेज उपस्थित हैं। दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। एक एक मशीन को हम जांचेंगे, परखेंगे, आने वाली चुनौती के लिए तैयार करेंगे। कोई चिंताजनक बात नहीं है। एक मरीज चीन से आकर के आगरा में मिला है, उसके जीनोम टेस्टिंग के लिए हमने भेजा है, वो घर पर है, स्वस्थ है। इस दौरान अस्पताल में मौजूद एक युवक को उन्होंने अपनी सदरी उतार कर दे दी। युवक ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट पहने हुआ था। उप मुख्यमंत्री ने अपनी सदरी उतार कर खुद उसको पहना दिया। बृजेश पाठक ने अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए और अधिकारियों से कहा मरीजों और उनके तीमारदारों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। मरीज से हमने पूछा, वो ऑपरेशन के लिए आए थे लेकिन अब उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो जाने में सबको वस्त्र पाने का अधिकार है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने जब मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रमेश गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में आईसीयू पूरी तरह से तैयार है, जिसमें 12 बेड निर्धारित कर दिए गए हैं और आइसोलेशन वार्ड के लिए 12 बेड तैयार कर दिए गए हैं, जिससे कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो उससे निपटने में आसानी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डिप्टी सीएम को निरीक्षण के दौरान सभी जरूरी स्वास्थ्य उपकरण सही स्थिति में मिले। अस्पताल के स्टाफ से मॉक ड्रिल की तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां सही तरीके से कर ली गई हैं। इस समय हमारे साथ बलरामपुर अस्पताल के निदेशक रमेश गोयल जी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक मॉक ड्रिल के दौरान यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, बृजेश पाठक जी निरीक्षण करके गए हैं, क्या 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 कुछ जो है, आप भी उनके साथ मौजूद थे, क्या कुछ जो है बातचीत हुई जो निरीक्षण के दौरान? जी, वो आए, उन्होंने आज हमारे यहाँ मॉक ड्रिल था सुबह 9 बजे से लेके, और उसके निरीक्षण के लिए स्वयं उप मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद आए और उन्होंने पूरा निरीक्षण किया। उसमें उन्होंने पाया कि हमारे यहाँ जो हमने एक आइसोलेशन वार्ड बना रखा है उसमें ऑक्सीजन की लाइन है, उन्होंने खुद अपने हाथों से चेक किया उसे, उसमें ऑक्सीजन आ रहा था। फिर उन्होंने वेंटिलेटर चेक किए, वेंटिलेटर फंक्शनल थे सारे। ऑक्सीजन प्लांट को देखा, ऑक्सीजन प्लांट हमारा पूरा तरह से फंक्शनल है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ है। और हम, मैं, मेरे CMS, MS और अन्य सभी चिकित्सा अधिकारी और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस वगैरह पूरी तरह ट्रेंड हैं, और कभी भी कोविड का केस अगर बढ़ेगा, ईश्वर न करे बढ़े, तो हम लोग पूरी तरह से उसको मैनेज करने में सक्षम हैं। तो ये थे
बलरामपुर अस्पताल के निदेशक जो कह रहे हैं कि बलरामपुर अस्पताल जो है वो कोरोना के नए संक्रमण के लिए पूरी तरीके से तैयार है, अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए हैं। कोरोना को लेकर जो है एक मॉकड्रिल चली थी, ब्रजेश पाठक ने खुद जो है आके सारी तैयारियों का जायजा लिया था और बलरामपुर के निदेशक ये साफ कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए। जो उनके हथियार है वो बेहद तैयारी की अवस्था में रखे गए हैं, पूरी तरीके से तैयार है। तो उधर बलरामपुर अस्पताल के CMS ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की ट्रेनिंग सुनिश्चित कराई गई है। सर क्या कुछ तैयारियां हैं इस मॉकड्रिल के लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली जितने हमें पॉइंट्स बताए गए थे उसको हम लोगों ने इंश्योर कर लिया है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, सीपैप, HFNC, मॉनिटर्स, पेरिफेरल्स, उसके साथ में दवाओं की उपलब्धता, लोगों की, हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग, ये सारे हमने इंश्योर कर लिए हैं। बाकी हमने 10 बेड का रिजर्व कर दिया है L2 के लिए जिसमें वेंटिलेटर हैं, 22 बेड का वो वार्ड हमने रिजर्व कर दिया है जिसमें आइसोलेशन वार्ड है। और जब अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डिप्टी CM ने यहाँ के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया, जिसके बारे में ऑक्सीजन प्लांट के संचालक ने बताया कि अस्पताल प्लांट की 24 घंटे की सुविधा दी जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में अस्पतालों का मॉक ड्रिल जारी है जिसमें कई खामियों को सप्ताह भर में दूर किया जाएगा। उसी आधार पर दूसरे अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी। जिन अस्पतालों में कमियां मिलेंगी वहां सप्ताह भर बाद दोबारा मॉक ड्रिल होगी और दूसरी बार भी कमियां रह जाती हैं तो उसे कारणों की पड़ताल की जाएगी। उन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी जिनकी वजह से बार बार कमियां छूट जा रही हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल में कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के बाद जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ पे निरीक्षण करने पहुँचे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का बाकायदा उन्होंने निरीक्षण किया है, देखा है किस प्रकार से यह ऑक्सीजन प्लांट जो है संचालित हो रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। हम यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, जो ये प्लांट की जो लोग संचालन करता है, उनसे बातचीत करके भी पूछेंगे कि किस प्रकार से ये प्लांट जो है वो चल रहा है, कैसी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ की। ये जो ऑक्सीजन प्लांट है इसकी सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, अभी डिप्टी CM ने निरीक्षण यहाँ पे किया है कि किस प्रकार की व्यवस्था है ऑक्सीजन प्लांट को लेकर। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरीके से 24 घंटे की सेवा दी जा रही है और पूरी तरह से पेशेंट संतुष्ट हैं इससे जी। और हम लोग खुद यहाँ पर रहकर 24 घंटे पे 3 टेक्नीशियन हैं और हम लोग तीनों लोग 12-12 घंटे या 8-8 घंटे करके मैनेज करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट में है वहाँ 3 टेक्नीशियन की ड्यूटी लगी हुई है, 8-8 घंटे की सबकी शिफ्ट है और बाकायदा ये लोग जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका संचालन करते हैं। इसके टेक्नीशियन है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो इसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कोविड मरीजों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल लगातार उनका गिरता रह गया है। इस प्रकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद ब्रजेश पाठक जो है वो जा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है, चाहे वो कोविड वार्ड हो, चाहे आइसोलेशन वार्ड हो, सभी प्रकार की चीज़ें हैं। और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जो है निरीक्षण करने के बाद अब और किसी और जगह निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के बाद ये तय हो गया है कि UP कोरोना के वार से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे पूरी तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाया जा सकता है। देश में कोरोना के प्रबंधन को देखने के लिए आज देश के सभी अस्पतालों में जो कोविड के अस्पताल है वहाँ पे मॉक ड्रिल चल रही थी और उत्तर प्रदेश के लखनऊ का जो बलरामपुर अस्पताल है वहाँ स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी CM ब्रजेश पाठक खुद आके इसका निरीक्षण किया, वहाँ जाके कोविड वार्ड में जाके जो है सारी व्यवस्थाओं को खुद देखा, परखा, जाँचा, बाकायदा निरीक्षण किया है, बेड का निरीक्षण किया है, वेंटिलेटर का निरीक्षण किया है, ऑक्सीजन का निरीक्षण किया है कि किस प्रकार से चीज़ें जो है व्यवस्थित रहें ताकि अगर केस मिलते हैं, अभी 2 ही केस जो है नए वेरिएंट के उन्नाव और आगरा में मिले हैं और उसकी जो है जीनोम संश्लेषण के लिए उसको सैंपल को भेज भी दिया गया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभी जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरे प्रदेश में जितने भी जो कोविड के अस्पताल है वहाँ पर ये मॉक ड्रिल चल रही है ताकि व्यवस्थाओं को देखा जाए कितनी व्यवस्थाएँ हैं, हम कितने तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। जो हमारे हथियार हैं वो कोरोना कोविड वार्ड हो गया, वेंटिलेटर हो गया, आइसोलेशन हो गया, ICU वार्ड हो गया, बेड हो गया, सारी प्रकार चीज़ें जो है कितनी तरीके से तैयार है वो देखी जा सकती है। कोविड वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जो है अब वो यहाँ से निकल रहे हैं।
कैमरामैन विजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।